एवरीवन, आज हमारा जो लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको हम शॉर्ट में इकोसॉक भी बोलते हैं, ECOSOC, इकोसॉक। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। आपने यूएन के बारे में सबने सुना होगा, यूएन इज़ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। अब यूएनओ ने अपनी 6 मेंबर एसोसिएशंस बनाई हुई हैं, उसके नीचे 6 एसोसिएशंस हैं, जिसमें इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज़ वन ऑफ द मेजर पार्ट, वन ऑफ द मेजर बॉडी इसकी होती है। और इसका मेजर एम है, इट इज़ फॉर डिस्कसिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़। ये इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी सोशल एंड इकोनॉमिक इशूज़ हैं उन सब के ऊपर डिस्कशन करने के लिए है, और उस पर पॉलिसी रिकमेंडेशंस देने के लिए, मतलब क्या उन इशूज़ के लिए क्या क्या पॉलिसी रिकमेंड की जा सकती है, वो सारी पॉलिसी ये रिकमेंड करते हैं। यूएनओ ने, यूएन चार्टर ने इसको, इकोसॉक का एस्टेब्लिश किया था 1945 में एज वन ऑफ द 6 मेजर ऑर्गन्स ऑफ यूएन। यूएन के 6 जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे जनरल असेंबली है, सेक्रेटरी काउंसिल है, इसी तरीके से एक इकोसॉक भी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये बहुत सारे मेंबर स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है। इसका जो रोल है ज़्यादातर 3 डायमेंशन में होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 डायमेंशन में इसका मेजर रोल है। नंबर 1 इकोनॉमिक लेवल पर, नंबर 2 सोशल लेवल पर, और नंबर 3 इन्वायरमेंटल लेवल पर। इन तीनों लेवल पे इकोसॉक बात करता है, पॉलिसीज देता है, इनके इश्यूज़ को सॉल्व करता है। तो पहला हो गया इकोनॉमिक, दूसरा हो गया सोशल, और तीसरा हो गया इन्वायरमेंटल। इसके टोटल 54 मेंबर कंट्रीज़ हैं। 54 मेंबर कंट्रीज़ में से जो 18 हैं, 18 मेंबर्स, वो जनरल असेंबली हर बार इलेक्ट करती है 3 साल के पीरियड के लिए। मतलब हर 3 साल के बाद ये 18 मेंबर जो होते हैं वो चेंज होते हैं, रिन्यू होते हैं। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है मेजर, वो यही है कि सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, इन्वायरमेंटल इशूज़ को सॉल्व करना। ये नेशन के सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज़ पे वर्क करता है, सारे इश्यूज़ को क्लियर आउट करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई करता है, और पॉलिसी रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है। जितनी भी इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ हो जाए, सोशल इश्यूज़ हो जाए, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हो जाए, या कल्चरल इश्यूज़ हो जाए, कोई भी ऐसा इशू है, तो इकोसॉक का एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि इसके लिए इश्यूज़ को, ये सुओ मोटो, इसको उठा सकते हैं, उसको सॉल्व करेंगे, उसके लिए पॉलिसी रिकमेंडेशंस देंगे। तो इन नटशेल, इकोसॉक इज़ इन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो यूएनओ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और इसके मेंबर्स को जनरल असेंबली सेलेक्ट करती है। टोटल कंट्रीज 54 हैं, जिसमें से 18 जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो हर 3 साल के बाद रिन्यू की जाती हैं, चेंज की जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट इकोसॉक। थैंक यू।